Hi guys, welcome to Travel Life etc. For a nice one day trip, this time I selected a holy town in Uttar Pradesh near Mathura, which attracts approximately 5 lakhs devotees every year. तो आज हम आपको ले चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। Hi guys, good morning. And we have just started off for Vrindavan. और क्योंकि अभी just start हुई है journey और सुबह का time है तो traffic is very less. It will take us around 2.5 hours from Noida to reach Vrindavan through Yamuna Expressway. So हम just पहुँचे हैं परीचौक. So this is the परीचौक metro station. ये आ गया है Yamuna Expressway. If you are coming from Delhi, first you have to reach Noida and then follow the same route. If you want to reach Vrindavan by train, first you have to reach Mathura, which will take around 1.5 hours. Since Mathura is just 15 kilometers from Vrindavan, so you can easily get a cab or auto from there. There is some restaurant on the way. So ye hai Jolly Go food court. Traveling early morning may make you feel hungry, so this is a good place on the way to have some light snacks. I like the South Indian food here. First toll plaza on Yamuna Expressway. वो देखना काफी रश है यार इधर तो. This is the exit to Vrindavan. तो वृंदावन के लिए आपको एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेते ही साथ लेफ्ट लेना है। यू विल सी फूड स्ट्रीट और यहाँ से लेफ्ट है। मंदिर का लोकेशन डाला हुआ है ना बांके बिहारी जी का? हाँ जी। तो हम डायरेक्ट वहीं पहुंचे। ये बांके बिहारी टेंपल की पार्किंग, सामने एक और पार्किंग है। Shri Banke Bihari Ji Temple is a Hindu temple of the Radha Vallabh tradition dedicated to Krishna. It was established by Swami Haridas in 1864, a guru of the famous singer Tansen. Kya bhav bhaiya? Kya rate hai? 80 rupaye ye bhaiya. 50 40 20 Ye kis cheez ka hai? Tulsi wala bhi hai. Acha. Tulsi मंदिर में चैन पर मोबाइल का ध्यान देना, सब लोग साथ में रहना और अपना माला प्रसाद किसी को मत देना। चश्मा की दिक्कत है? चश्मा की दिक्कत कोई नहीं है, मंदिर के अंदर बाहर दिक्कत है। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर और देख सकते हैं आप कितना रश है यहाँ पे। बोलो बांके बिहारी जी के। Since Krishna in standing pose is bent from three places, that is hands, waist and legs, and he is considered as a supreme enjoyer of every aspect of life. Hence, he is also known as Banke Bihari. अब हम बाहर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे। ये है श्री राधा वल्लभ जी मंदिर। राधा वल्लभ नाम का अर्थ है भगवान कृष्ण देवी राधा के प्रिय। Constructed in 1585, the Radha Vallabh Temple is one of the oldest and long-living temples. ये टेम्पल लाल पत्थरों से बना हुआ है जो कि उस समय पे पैलेसेस और फोर्ट्स को बनाने में यूज किया जाता था। इट इज लोकेटेड एट ए वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम श्री बांके बिहारी जी टेम्पल। धन्यवाद पंडित जी। तो हमने टीका लगवा लिया है।
हम आ चुके हैं इस्कॉन टेंपल। ये पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है हमने। चलिए चलते हैं अंदर। ये इसकी एंट्री है, यहाँ पे जूते डिपॉजिट करने वाले हैं। चल इस्कॉन टेम्पल वृंदावन और श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल इज एक्नॉलेज्ड फॉर बीइंग द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस और इस्कॉन। इट वॉज बिल्ट इन 1975 बाय इस्कॉन एंड इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय स्वामी प्रभुपाद हु वॉज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग भी की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। डिवोटीज कम टू दिस प्लेस फॉर मेडिटेशन, भजन्स एंड गीता पाठ। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर श्री कृष्ण आरती इन इवनिंग। यू विल फाइंड मंदिर पुजारीज एंड डिवोटीज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टेम्पल्स गॉट क्लोज इन आफ्टरनून एंड वी वर ऑल्सो फीलिंग हंग्री, सो वी रीच्ड ब्रिज रसोई, अ रेस्टोरेंट फेमस फॉर इट्स टेस्टी फूड। It was 4 p.m. and this was the best time to visit Keshi Ghat. Keshi Ghat is situated on banks of Yamuna River and is associated with many leelas of Lord Krishna. ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण ने राक्षस केशि को यहाँ मारा था और यमुना में स्नान किया था। राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सारे द्वारे छोड़ के और मैं आयो तेरे द्वार। आपको जाने का मन ही नहीं करेगा, दस बज जाएंगे नहीं पा, और भजन कोई नहीं सुनेगा, सब नाचेंगे आप लोग। Keshi Ghat is probably the most scenic spot in whole of Vrindavan. यहाँ पर आप boating भी कर सकते हैं और beautiful sunrise या sunset भी देख सकते हैं। It's a beautiful sunset over here we can see near Keshi Ghat. Devotees visit this place with great devotion and take bath in the river to get Krishna's blessing and salvation. आप यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक किसी भी समय आ सकते हैं। Evening aarti at 6 pm is most recommended. भैया कह रही है बेटा तेरे माखी खाई भाई मैया ना खाई, काना देवी कह रहे मैया खाई, मैया मोरी ना खाई, मैया मोरी मैंने खाई, दोनों ही बात कह रहे हैं। कृष्ण की कहानियां सुनाता हुआ केवट और यमुना के शांत पानी में वो चप्पू चलने की आवाज मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। I was waiting for the evening for my last but the most important destination of the day. So let's go for a mesmerizing evening at Prem Mandir. जैसे ही आप प्रेम मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको झांकियां दिखाई देंगी जो कृष्ण लीलाओं को दर्शाती हैं। प्रेम मंदिर इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल ऑफ लव।
Its construction started in 2001 and completed in 2012. It is dedicated to Radha Krishna and Sita Ram. The entire structure has been constructed using Italian marble of the highest quality. The lighting of Prem Mandir changes colors every 5 minutes and is very strategically used. To dekhte hain Prem Mandir ke alag alag rang. Thank you guys for watching this video. I hope you liked it. Do press like button, share your comments and subscribe my channel. I will be coming up with a new vlog very soon. Till then, stay tuned and enjoy your life. Bye.